वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दिस वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। तो ये सारे टॉपिक्स, 2-3 टॉपिक्स जो हैं वो चैप्टर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपको 100% क्लियर होना चाहिए। उसके एनसीईआरटी के वर्ड्स प्लस डायग्रामेटिकली सिचुएशन। तो ये डायग्राम आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। लेवल आपको बताया है कैसे कैसे हॉर्मोन्स का लेवल बढ़ेगा, कैसे कैसे कम होगा, इस पे भी क्वेश्चंस पुट अप हो जाते हैं। स्टार्टिंग में देखते हैं हम कि आपका कौन कौन सी फेजेस में क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं। पिट्यूटरी हार्मोन का लेवल कैसे कैसे इंक्रीज करेगा, ओवेरियन इवेंट, ओवेरियन के अंदर क्या चेंजेस आएंगे, एंड देन के ओवेरियन के ये पूरा सीक्वेंस हो जाएगा, कहाँ पे फॉलिकल्स बन रहे हैं, ओवेरियन के अंदर हार्मोन का क्या लेवल है, एंड यूट्राइन इवेंट। अब इसका इफेक्ट आपको पता है यूट्रस की इनर वॉल, जिसको एंडोमेट्रियम कहा जाता है, उस पे पड़ता है। तो वहाँ पे जाके क्या इफेक्ट आ रहा है, तो वन बाय वन इसको करते हैं। सबसे पहला है आपका, इसको मेंस्ट्रुएशन फेज को, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, आपको पता है कि क्या होता है कि एक पूरी साइकिल चलती है 28 डेज़ की, जिसमें कि 5th डेज़ की ब्लीडिंग फेज होती है, फिर से एंडोमेट्रियम की थिकनिंग बनना स्टार्ट होती है कि और फिर से एवरी मंथ शेड होती है। कब नहीं होती है, जब फर्टिलाइजेशन कॉज हो जाए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तब वहाँ पे ये एंडोमेट्रियम एग्जिस्ट करती है, शेड नहीं होगी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्रिवेंट हो जाएगी टिल द डिलीवरी। अब ये देखते हैं स्टेप बाय स्टेप्स। इसको 4 फेजेस में आपका डिवाइड किया गया है, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, एंड ओव्यूलेटरी फेज, ल्यूटियल फेज, एंड ल्यूटियल फेज इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी फेज, सबसे लंबी फेज होती है। यहाँ पे देखोगे मेंस्ट्रुअल फेज 1 to 5th वाली स्टेज है, जिसमें 5th डे ब्लीडिंग कॉज होगी। मेंस्ट्रुअल फेज इज ऑल्सो कॉल्ड अ ब्लीडिंग फेज। तो यहाँ पे देखोगे होता क्या है एक्चुअली, पूछा जाता है आपसे मेंस्ट्रुएशन कब कॉज होगी, मेंस्ट्रुएशन या ब्लीडिंग फेज कब कॉज होगी या मेंस्ट्रुअल फेज कब आएगी, जब सारे हार्मोन का लेवल डाउन हो जाए, दैन इज कॉल्ड अ ब्लीडिंग फेज। अब सारे हार्मोन का लेवल, कौन कौन से हार्मोन होते हैं, आपको 4 हार्मोन याद रखने हैं, FSH, LH, आपका एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। अब FSH तो आ रहा है आपका पिट्यूटरी से, LH आ रहा है आपका पिट्यूटरी से। ओके, पिट्यूटरी इज अ ग्लैंड, इट्स कॉल्ड अ मास्टर ग्लैंड एंड सिचुएटेड इन अ हाइपोथैलेमस रीजन, ये बात आपको पता है। अब इसने जो FSH भेजा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FSH? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का क्या मतलब है? फॉलिकल्स के बनने को एनहेंस कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है। स्टिमुलेट का मतलब होता है बढ़ जाना, बढ़ाना। तो ये क्या करेगा, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल की फॉर्मेशन को बढ़ा देगा। तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का भी हम देख रहे हैं लेवल कम है जब तक हमें मेंस्ट्रुएशन कॉज हो रही है। धीरे धीरे हम क्या देखते हैं कि फॉलिकुलर स्टिमुलेशन, जो फॉलिकल्स बनाने वाला जो आपका हार्मोन है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड से इंक्रीज हो गया है निकलना, ठीक है, बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि कुछ फॉलिकल का फॉर्मेशन हो रहा होगा। फाइनली ये फॉलिकल्स बनते हैं, इन्हीं फॉलिकल के अंदर है आपका ओवम, ठीक है। ये फॉलिकल कैसे आप बताते हैं इसको, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, ये है प्राइमरी फॉलिकल, ये बन गया सेकेंडरी फॉलिकल, ये बन गया टर्जरी फॉलिकल्स। टर्जरी फॉलिकल में आपको बीच में खाली स्पेस दिखाई देगा, उसको कहते हैं एंट्रम, खाली कैविटी है ना, इसको कहा जाएगा एंट्रम। अब यहाँ पे ये क्या है, ये तो एंट्रम हो गया, ये वाला पार्ट जो है दिस वन इज कॉल्ड सेकेंडरी oocyte। तो ग्रेफियन फॉलिकल क्या रिलीज करता है, सेकेंडरी oocyte, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ग्रेफियन फॉलिकल रिलीज प्राइमरी oocytes और सेकेंडरी oocytes। ओके, सेकेंडरी oocytes वो भी मियोसिस फर्स्ट को कंप्लीट करने के बाद। ओके, अब ऐसा क्यों, मियोसिस सेकेंड तब कंप्लीट होगी जब फर्टिलाइजेशन होने जा रहा होगा, बिफोर द फर्टिलाइजेशन मियोसिस सेकेंड तब कंप्लीट होगी। ओके, अब यहाँ पे क्या हुई है, सिर्फ मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुई है, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बना है, टर्जरी फॉलिकल के अंदर है सेकेंडरी oocyte। अब यहाँ पे देखोगे आप, ठीक है, यहाँ पे एफएसएच का लेवल बढ़ा हुआ था बाद में, मतलब ये मेंस्ट्रुअल फेज में क्या दिख रहा है हमें, सब सारे हार्मोन का लेवल डाउन हो जाता है, तब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है। अब यहाँ पे देखोगे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स ने क्या किया, फॉलिकल का फॉर्मेशन करवाया। अब एक क्वेश्चन आता है ईस्ट्रोजन कहाँ से रिलीज होता है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखेंगे ईस्ट्रोजन आपका ओवेरियन हार्मोन्स है, तो ये ईस्ट्रोजन फॉलिकल्स के अंदर से रिलीज होता है। तो जैसे जैसे फॉलिकल्स बन रहे हैं ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ये देखोगे ठीक है। तो ईस्ट्रोजन हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई देगा जैसे जैसे बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ओव्यूलेशन वाली फिनोमिना होगी, ओव्यूलेशन का मतलब है रिलीज ऑफ द ओवम। ओव्यूलेशन को करवाने वाला हार्मोन कौन है, एलएच, जिसको कहा जाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। दिस वन इज कॉल्ड अ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, आपका ओव्यूलेशन करवाता है, जो ग्रेफियन फॉलिकल से गेट टू अ रप्चर और उसमें से ओवम बाहर आ जाता है। ओके, अभी ओवम जो बाहर आया है अब इसको कहाँ जाना है, फैलोपियन ट्यूब्स में जाएगा, फिम्ब्रीज के थ्रू कलेक्ट कर लिया जाता है। ये सारी फिनोमिना, ये वाली जो बीच वाली फिनोमिना है ना, वो आपका ये जो बन रहे हैं फॉलिकल्स देन ओवम बन रहा है, ये सारी फिनोमिना ओवरी के अंदर हो रही है। अब ओवरी के बाहर है फिम्ब्रीज, फिम्ब्रीज के थ्रू कलेक्ट कर ली जाती है और फैलोपियन ट्यूब्स में चली जाएगी। फैलोपियन ट्यूब्स में जाने के बाद अगर वहाँ पे स्पर्म से मैटिंग होती है, फर्टिलाइजेशन कॉज होता है, तब क्या होगा, आगे की फेज रुक जाएगी। दैट मीन्स रुकने का मतलब है कि ये जो बना है प्रोजेस्ट्रॉन, इसका लेवल आपका 12 वीक तक रहेगा, जब तक प्लेसेंटा नहीं बनेगा तब तक ये प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज होता रहेगा। इसको समझते हैं, ये हुआ ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन किस हार्मोन ने करवाया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। याद रखना ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। अच्छा, फॉलिकल्स के बनने वाली फेज कितने डेज की होती है, 5th डेज तक है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके बाद ही होगी। देन 6 to 13 डेज इज अ फॉलिकुलर फेज। तब तक फॉलिकल्स बनेंगे। कहाँ तक बनाने हैं हमें फॉलिकल्स, ग्रेफियन फॉलिकल्स तक, जिस कॉल्ड अ टर्जरी फॉलिकल्स, ठीक है। दिस वन इज द ग्रेफियन फॉलिकल। मैच्योर फॉलिकल्स जो कि रप्चर होगा और उसके अंदर से निकलेगा आपका सेकेंडरी ओसाइट। अब ये ग्रेफियन फॉलिकल ने ओवम को रिलीज कर दिया, बाकी बचा हुआ जो एनवेलप है, दिस वन इज नॉट वेस्ट, बेकार नहीं है, ये आगे काम करेगा, ये ग्लैंड की तरह काम करेगा। ठीक, अब ये है कॉर्पस ल्यूटियम, इसको कहा गया कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम का बनना, इस फेज को हम बोलेंगे ल्यूटियल फेज, ल्यूटियम तो इसको बोल दोगे ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज ओव्यूलेशन के बाद स्टार्ट हो जाती है। ओव्यूलेशन कब हो रहा है, एग्जैक्टली एट 14th डेज, 14th डे में ओव्यूलेशन कॉज हो जाता है। उसके बाद का डेट कितना हो जाएगा आपका 15 एंड नियर अबाउट द 17 to 18। इसके बाद की बची हुई जितनी भी फेज है बिफोर द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ऑल आर द ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज सबसे लंबी फेज है, लॉन्गेस्ट फेज के नाम से अगर क्वेश्चन आता है तब आपको बताना है कि ल्यूटियल फेज सबसे लंबी फेज है। ठीक, ल्यूटियल फेज इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी फेज। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम तो रिलीज करेगा एक हार्मोन जिसको कहा गया प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन जो है वो क्या करता है आपको, प्रोजेस्ट्रॉन इज कॉल्ड अ प्रेगनेंसी हार्मोन। प्रोजेस्ट्रॉन यूट्राइन की जो इनर वॉल है एंडोमेट्रियम, उसका उसकी थिकनिंग करेगा। वाई उसकी थिकनिंग क्यों कर रहा है, बिकॉज ऑफ क्योंकि वो प्रिपरेशन कर रहा है फॉर द प्रेगनेंसी, कि अगर फर्टिलाइजेशन कॉज होगा तो इम्प्लांटेशन कहाँ होगा, एंडोमेट्रियम में, इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियोज अगर इन अ योर एंडोमेट्रियम लेयर, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम लेयर को थिक कर रहा है। अब ये एंडोमेट्रियम लेयर अगर फर्टिलाइजेशन कॉज होता है तो वहाँ पे जाके एम्ब्रियो अटैच हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं कॉज होता है तब क्या होगा, ये एंडोमेट्रियम लेयर शेड हो जाएगी, फिर से एक साइकिल आ जाएगी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो ल्यूटियल फेज में आप देख रहे हो कि एंडोमेट्रियम बहुत जल्दी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये जो है ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स और इस ब्लड इन सबको अकुमुलेट करके एंडोमेट्रियम लेयर की थिकनिंग और बढ़ता जाता है। कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन। याद रखना, ये देखोगे प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल एकदम इंक्रीज हो जाएगा आफ्टर द ओव्यूलेशन। देखो आफ्टर, जैसे ओव्यूलेशन हुआ हमें ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम तभी बनेगा जब ओव्यूलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ओव्यूलेशन होने के बाद जो बचा हुआ पार्ट है ग्रेफियन फॉलिकल का, दिस वन इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। अब कॉर्पस ल्यूटियम एग्जिस्ट नहीं करता बहुत टाइम तक अगर प्रेगनेंसी नहीं कॉज होती है, तभी क्या होता है डीजनरेट होना शुरू हो जाता है, बहुत जल्दी डीजनरेट होना शुरू हो जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम एक येलो कलर की बॉडी है, येलो कलर की सेल्स का कलेक्शन है, दैन ये वाइट कलर के सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है जब डीजनरेट होना स्टार्ट होता है, तो उसको कहेंगे वाइट कलर की बॉडी को कॉर्पस एल्बिकेंस, कॉर्पस एल्बिकेंस। अब कॉर्पस एल्बिकेंस धीरे धीरे वो भी रिड्यूस होना स्टार्ट होके पूरा डीजनरेट हो जाती है, ठीक है। बट इफ़ अ फर्टिलाइजेशन इज अकर, प्रेगनेंसी इज अकर, ये एग्जिस्ट करती है, इसका ड्यूरेशन बढ़ जाता है और 12 वीक तक प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करती रहेगी ये, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम 12 वीक तक प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करती रहेगी ताकि एंडोमेट्रियम की थिकनिंग बनी रहे, ताकि एंडोमेट्रियम की थिकनिंग एग्जिस्ट करे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यूट्राइन की वॉल, जब मेंस्ट्रुएशन यूट्राइन इवेंट में क्या हो रहा है, जैसे ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल परफॉर्म हो रही है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ये जो आपका ओवम था जो कि अनफर्टिलाइज ओवम है वो भी बाहर निकलेगा, है ना, और ये जो एंडोमेट्रियम बनी थी वो शेड होना शुरू हो जाएगी। तो आप देख रहे हो ये डिक्रीज कर रही है, यहाँ तक यहाँ से है स्टार्ट और ये डिक्रीज कर रही है, इसकी थिकनिंग कम होती जा रही है, ठीक है। अब ये इसकी थिकनिंग 5th डेज तक कम होगी, दैन धीरे धीरे बनना स्टार्ट होगी, धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन आफ्टर द ओव्यूलेशन ये बहुत तेज़ी से बढ़ेगी क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन आ गया। प्रोजेस्ट्रॉन क्या करेगा, एंडोमेट्रियम की थिकनिंग को बढ़ाएगा। एंड एस्ट्रोजन आपको याद रखना है ये फॉलिकल से ही रिलीज होगा, जैसे जैसे फॉलिकल्स बनेंगे वैसे वैसे एस्ट्रोजन का लेवल भी इंक्रीज होगा। अच्छा, अब जैसे फॉलिकल, ग्रेफिन फॉलिकल सबसे मैच्योर फॉलिकल है, सबसे बड़ा फॉलिकल है, तो वहाँ पे एस्ट्रोजन का लेवल भी आपको बढ़ा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो फिर ये आपकी फेजेस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज, जिसको ब्लीडिंग फेज भी कहा जाएगा, ये आपकी फर्स्ट टू 5th डेज है, ठीक है। इसमें ये मैंने आपको बता दिया कि ओवम भी बाहर निकलेगा, सारा ब्लीडिंग कंटेंट्स और जितने भी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है सबको बाहर निकलेगा, ठीक है। एंड थ्रू योर वजाइनल ऑरिफिस। एंड फॉलिकुलर फेज इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्रोलिफरेटिव फेज, इस नाम से भी आपको मिल सकता है, प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव का मतलब होता है कि डिवीजन होना, बहुत जल्दी जल्दी डिवीजन होना, तो यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी डिवीजन हो रहा है। दैट मीन्स फॉलिकल्स का डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है, सेल्स टू सेल्स मिटोसिस करके बनते जा रहे हैं, ठीक है। एंड ओव्यूलेटरी फेज का मतलब है ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन होना, है ना, 14th डेज में होगा ये। एंड ल्यूटियल फेज सबसे लंबी फेज है, इसको सेकेंडरी फेज भी बोलते हैं, जहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है और प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अगर प्रेगनेंसी कॉज होती है तो ये 12 वीक तक करता रहेगा, अगर प्रेगनेंसी नहीं कॉज होती है तो ये डीजनरेट जल्दी हो जाता है एंड कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, देन पूरी तरीके से डीजनरेट हो जाएगा और एंडोमेट्रियम की लेयर फिर से शेड हो जाएगी और साइकिल अगेन रिपीट हो जाएगी अगर फर्टिलाइजेशन कॉज नहीं होता है। तो आई होप सो आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। इफ़ एनी डाउट्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आप कोई भी टॉपिक्स पढ़ना हो या फिर कोई भी टॉपिक्स पे कोई डाउट हो तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में